ओ भाई क्या आया बोनस तो कुछ हो भाई हमारी गाड़ी के ऊपर मालू होगा भाई क्या टाइम ब्रो अरे यार 11:57 हो रहे भाई गाइस 11:57 भाई 12 बजे बुरा हाल है ओ हो भाई देखते बाहर देख जल्दी कैमरा दिखा गाइस कैमरा दिखा देखिए ओ यो रहा ओ ओ ओ भाई ओ भाई चढ़ रहा गाड़ी पे चढ़ रहा गाड़ी के ऊपर भाई मालूम तो कैमरे में कैद होने को भाई ओ भाई गाड़ी चढ़ रहा घूम का भाई ओ घूम कर दौड़ रहा गाड़ी के चारों तरफ दौड़ रहा भाई कैसे वॉच कर रहे हो भाई ओ ओ क्या बात है भाई एक बार में ही और लगी तो मूवी से तुमने रुके से कहते नहीं ये साउंड है यार एक मिनट और सुमार ये क्या देगी साउंड काला सा ये तो लाइट खत्म हो गई यार कोर में भाई ये तो कुछ ना दिख रहा है कुछ ना दिख रहा जो कोरे में हटा ये वाले रख के देखो यार विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है ना तो उसकी वजह से यार रिस्क हमारे लिए दोनों भाइयों के सबसे ज्यादा खतरा है तो भाई वीडियो कैसे लग रहा है अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए यार आप लोगों के लिए अग्रेसिव हो रहा है लाइट बंद कर दो साइलेंट हो गया गाइस लाइट को बंद कर दो नहीं बैठे रहो गाइस मोबाइल बंद करते भाई ओ भाई देखो देख दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक कार कैंपिंग वीडियो में गाइस और निकल चुके हैं फिर से एक लोकेशन के लिए और आज जो कैंपिंग होने वाली है गाइस आपको पता है अपने मोहित भाई के साथ दोस्तों तो गाइस लोकेशन के लिए निकल चुके हैं क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है गाइस 6:30 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है भाई बता दूं सूरज देखो भाई सनसेट होने वाला है सामने देखो दिख रहा है ये देखो और सामने का व्यू देखो यार अल्टीमेट और भाई खतरनाक पूरा फॉरेस्ट है इधर हम जा रहे हैं कि भाई चलो गाइस लोकेशन पे पहुंचते हैं और आज की जो है वीडियो होने वाली भाई एडवेंचर और फुली एडवेंचर होने वाली है और भाई आज की आपकी जो कैंपिंग होगी भाई गारूफ तो टेंट के साथ होगी फर्स्ट टाइम है कैसा फील आएगा बताना जरूर ठीक है और ये देखो गाइस सामने सनसेट हो रहा है भाई कितना प्यारा व्यू है यार मजेदार चलो गाइस लोकेशन पे पहुंचते हैं और व्यू को आप एंजॉय कीजिए भाई लोकेशन मिल चुकी है भाई लोकेशन लगा दी अपनी गाड़ी और आज खुलेगा अपना कार रूफ टॉप टेंट क्योंकि आज करेंगे भाई इसके अंदर स्लीपिंग सोएंगे क्यों भाई तो भाई एक्सपीरियंस जरूर बताइए कि इसका कैसा है भाई रिव्यू ठीक है रिव्यू मिलेगा और भाई जिस लोकेशन पाए ना भाई अल्टीमेट और खतरनाक है और यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा किस चीज का खतरा है भाई भालू का खतरा है क्योंकि जहाँ पे ये वाले पेड़ होते है ना कौन से पेड़ होते हैं ये इसको बोलते हैं चीड़ के हैं लेकिन ये साल के हैं इनपे जो फल लगता है उसको खाने के लिए आता है हाँ ये साल के पेड़ होते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे साल के पेड़ होते हैं ना वहाँ पे सबसे ज्यादा भालू का खतरा होता है और इस टाइम जब टॉप पे भी जाते हैं तो टॉप पे हमेशा भालू रहते हैं चलो भाई यहाँ की जो व्यू है जो अच्छे अच्छे सब व्यू है ना वो आपको दिखाते हैं और व्यू से पहले अपना कार रूफटॉप टेंट ओपन कर लेते हैं भाई ओपन खींचो खींचो बस अब आराम से इसको पुश करो ऊपर से पकड़ो क्या बात है भाई एक बार में ही और क्या बस डाउन करो ये ऊपर से ये क्या बात है बस पुश करो ये वाला पुश करो तो टेंट पिच हो चुका भाई ने एक बार में पिच कर दिया यार खोल दिया क्योंकि बहुत इजी है यार और अब इसकी जो बालकनी है ना गाइस ये जो विंडो है ये विंडो ओपन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से फिर आपको दिखाते हैं ये भाई चलो चलो
कर लेते हैं इसकी विंडो ओपन। ये देखो भाई विंडो बहुत इजी है इसको लगाना, कोई इतना बड़ा कलाकारी का काम, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे लोग कह देते हैं ना टेंट कैसे लगेगा, टेंट कैसे लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल बस लोग सोचते हैं क्योंकि यहाँ से हाथ मुड़ गया ये क्योंकि हाथ नहीं जा पा रहा यहाँ तक हाँ। और रात को बारिश आ गया ना डगर हाँ। तो मजा लगी है यस। सोने का जो रात को आवाज आएगी ना पानी की हाँ। मैंने तो फील की हुई है। अच्छा अब तो तुझे फील करनी है भाई बस हाइट बहुत है, मैंने तो लगा लिया। ये लीजिए लो तैयार है बाकी अपना बढ़िया कारो टोटन भाई पीछे चुका आपने देखा भाई कितना बेहतरीन बहुत इजी तरीके से भाई मजा आया अल्टीमेट फर्स्ट टाइम है ना आई थिंक तेरे तो यस यस यस। तो गाइस बढ़िया तरीके से और बता दूं आपको पता है कि जहाँ पे भालू और जंगली जानवरों का ज्यादा खतरा होता है ना वहाँ पे हम अपने कार रूफ टॉप टेंट का यूज करते हैं वरना अपना ग्राउंड टेंट लगाते हैं। क्यों भाई तो दिखाते हैं आपको व्यू, क्यों आपको बताया था भाई कि कार रूफ टॉप टेंट लगाते उसके बाद आपको दिखाते हैं व्यू, तो नजारों को एंजॉय कीजिए भाई चलो। गाइस फाइनली अपना सेटअप लग चुका है भाई देख सकते हैं और भाई आप देख रहे हो चारों तरफ क्या धुंध हो चुकी है, बिल्कुल वाली विजिबिलिटी मतलब जीरो है भाई 10% है, मतलब कि 10 से 20 कदम पर आपको दिखेगा बाकी आपको कुछ नहीं दिखेगा। बारिश तेज आने शुरू, बारिश तेज आने लगी भाई और जब तक हम बारिश पर पड़ी थी ना काफी तेज बारिश हुई थी तो टेंट के अंदर बैठे थे, अब थोड़ी बारिश कम हुई है तो बाहर आ चुके अपने सेट पर लगाने क्योंकि भाई खाना भी खाना है और आपको भाई दिखाना भी है। और भाई मौसम देखो खतरनाक हो चुका है और आपको पता है कि भाई भालू का इलाका है तो भाई डर तो काफी बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कोई दौरा नहीं है क्यों भाई जी yes, और भाई सही बताऊं हालत तो रियली में खराब है, इसमें बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना हाँ। और गाइस बारिश पड़ रही है, खाना जल्दी से बनाएंगे क्योंकि यार अगर बारिश तेज होगी ना तो भाई भूखे सोना पड़ेगा आज हमें, तो भूखा तो सोना नहीं है ना यार, तो जल्दी से खाना बनाते हैं। अपना सेटअप तो लग चुका है और थोड़ी देर में पीछे देखो भाई क्या धुंध है, आपको कैमरे में क्लियरिटी दिखाई दे रहा होगा भाई। चलिए भाई खाना वाना बनाए, बस भाई रेडी कर, चलो भाई खाना वाना बनाते हैं प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज हमारा डिनर कैसे बनता है ये हम ही जानते हैं फटाफट इसे क्या करते हैं बॉइल कर लेते हैं, इसे पास्ते को बॉइल करो, इसीलिए हम पास्ता बना रहे हैं। पास्ता बनाने का रीजन ये है बारिश लगातार पड़ जाएगा इस, तो इसीलिए तो हम पास्ता बना रहे हैं क्योंकि अगर भाई कुछ और बनाते ना तो फायदा नहीं था ना, क्योंकि बारिश देखो कितनी लगातार पड़ रही है। क्या बनाते हैं इसमें ना, इसमें क्या बना पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इतनी सी जगह जिसके नीचे हम बैठे हैं बस समझ रहे हो, इसमें पानी करो लो, ये तो गैस को चालू करो मेरा, बट डिनर कैसे कैसे बनेगा ये तो हम ही जानते हैं और वो भी ऐसे इलाके में, ऐसे इलाके में इतना डिफिकल्ट है इस इलाके में क्योंकि ये भालू का इलाका है। आराम से गैस कम चलाओगे मुंह फेस जला देगी फेस, हाँ ये मेरे से ये लो, सिलेंडर का इस्तेमाल भी हमें इसका ही करना पड़ रहा है क्योंकि यही सही है इस टाइम, यही सही ठीक है क्योंकि उसमें अगर बारिश चली गई तो वो चलता भी नहीं है। अब पानी को गर्म होने देना पहले ठीक है ना चॉपिंग वॉपिंग करते हैं, हाँ वो चॉपिंग की तैयारी करते हैं। वो आज तो आप लोग ये सोचिए कि डिनर जो है ना हमारा वो इतने फास्ट तरीके से बनेगा कि आज तक इतना फास्ट हमने कभी खाना बनाया नहीं, बनाया नहीं होने का फास्ट क्या हम दिखा कम पाएंगे आप लोगों को, उसका रीजन ये है कि अभी हमने फोन बारिश में रख रखे हैं, बिल्कुल क्योंकि बारिश आ रही है भाई, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, बारिश हो रही है फोन खराब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ना बस, तो इसलिए हमने फोन भी बारिश में रख रखे हैं। और देखिए बारिश पड़ रही है, अभी पानी छू रहा है बहुत भयंकर है ऐसा नहीं है, और देखिए पूरे में धुंध छाई हुई है। बाकी आर्यन भाई यार हम पास्ता खाने वाले, पास्ता यस ब्रो यस, वैसे पास्ता नाश्ते में खाया जाता है लेकिन हमारा डिनर चल रहा है,
रीजन यही है ना, क्योंकि खतरा खतरा तो देखा भी जाए, दिक्कत ये है ना, विजिबिलिटी खत्म है और दूसरा बारिश लगातार पड़ रही है, तो बनाए कहाँ। और भैया कैंपिंग का नाम, लेकिन भाई आगे से टार्प खरीदना पड़ेगा, टार्प लेना पड़ेगा। अगर अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप कैंपिंग में ना आए, बिल्कुल आप अपने घर पे रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं, बस आप वही कंफर्ट जोन में एंजॉय कीजिए। बस मन में ये सोच लेना कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी जगह अपने आप को सोच लेना, डागर की जगह दो बंदे देख रहे हैं बैठे हुए। सही बात है, तो डाल लेते इसमें पास्ता, या पास्ता डालो, मैं इतना सब्जी को चॉप करता हूँ, ठीक है ना, टमाटर और प्याज को स्पाइसी वाला बनाएंगे, चटपटा वाला, बस अभी करो, बस करते हैं भाई। और इधर अपने पास्ता बॉयल हो जाएगा, ये सामान इधर रखे रहो, है ना, बारिश पड़ी है यार, क्योंकि ये सील जाएंगे सारे मसाले, बिल्कुल। बाकी देखिए चॉपिंग, आज कैमरे के एंगल भी चेंज नहीं हो पाएंगे, उसका रीजन यही है कि यहाँ स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, अगर साइड में बैठेंगे तो गीले होंगे। अब हमने फोन भी अपने रिस्क पे ना खराब हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उसमें कर रखे हैं, बारिश में रखे हैं, बारिश में ना कोई साउंड लगी तो ही मूवी ऐसे तुमने लोग कैसे कहते हैं नहीं, ये साउंड है यार, एक मिनट और चुमार ये क्या देगी सामने काला सा, ये तो लाइट खत्म हो गई यार, कोर में भाई ये तो कुछ ना दिख रहा है, कुछ ना दिख रहा जो कोहरे में खत्म, ये वाले रख देखो, वो यू भी खत्म है यार, ये भी खत्म है, विजिबिलिटी खत्म है भाई लाइट की, देखो भाई विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है भाई लाइट की, देखो दिख नहीं रहा कुछ भी, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई कुछ भी, इसे रेड जला के देखते हो, हटा जरा रेड जला, नहीं इसकी विजिबिलिटी खत्म है भाई, लेकिन 19-20 इसकी दिख रही है, वो भी जलती है, वो दो जलती है, और भाई चौकस रहो आज, बैठो आर्यन भाई ध्यान रखो बस, चलो अब जल्दी जल्दी अपना डिनर बनाओ, लापरवाही नहीं बरतनी एक मिनट की भी भाई, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है, जीरो है, वैसे आंखों से दिख रहा है नॉर्मल थोड़ा सा, लेकिन लाइट का कोई कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि ये जो व्हाइट कलर की लाइटें होती है ना, इससे कोहर में दिखता नहीं, जो कोहरा होता है ना धुंध होती है, इसमें हमेशा मोम व्हाइट कलर जो होता है ना, येलो येलो, हाँ मोम व्हाइट कलर, हाँ उससे दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखता, बाकी नहीं दिखता, तो देखिए कितना बुरा हाल है कि लाइट से भी हम किसी जानवर को नहीं देख सकते, और यहाँ भालू 101% आएगा ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, यहाँ आने का चांस है, यहाँ पे 99% चांस होते हैं आने के, क्योंकि ये भालू का इलाका है, यहाँ भालू लोगों को दिन में भी दिखाई देता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ उसके पेड़ है, उसके राज के, ये साल के जो पेड़ होते हैं ना, साल के पेड़ बोलते हैं, राज भी बोलते हैं, साल भी बोलते हैं, साल के पेड़ पे जो फूल आते हैं ना उसको भालू बहुत ज्यादा पसंद करता है खाना, जहाँ ये होते हैं ना वहाँ हमेशा आते हैं, ध्यान रखना। तो भाई अपनी चॉपिंग वॉपिंग करते हैं और बढ़िया से खाना बनाते हैं, बारिश लगातार पड़ी और हमारी लाइट भी बारिश में ही है यार, लाइट भी, कैमरे भी, मोबाइल भी लाइट में खड़े इस टाइम पे, तो बस क्योंकि आप लोगों को ना हमें हाँ। ये दिखाना है कि कैंपिंग कितना ज्यादा डिफिकल्ट काम है, ये हाँ। आसान नहीं है आसान, जैसे लोग सोचते हैं ना हाँ। कि आसान है, घर में बैठ के आप लोगों को आसान लगता होगा, बिल्कुल इतना आसान नहीं है, एक चीज हमारे लिए कि भाई बारिश पड़ी है ना, लकड़ी हमें मिली नहीं सूखी, गीली मिली तो वो नीचे पड़ी भी है, गीली है वो भी, सूखी नहीं है, हम भी ऐसा है, जब हम भी कैंपिंग नहीं करते थे ना हम भी सबको फेक बताते थे, क्योंकि जब तक आप लोग जंगल में नहीं रुकोगे ना तब आपको तक रियलिटी नहीं पता चलेगी, बिल्कुल भी ना पता लगे, बस आओगे तब पता लगेगा क्या सीन है क्या नहीं, और पहली बार में भी नहीं पता चलेगी हाँ। अगर जब तक आप अपनी आंखों से देख ना ले, कानों से सुन ना ले, कानों से आवाज सुन ना ले ना, तब तक जब तक आप एक बार जो बंदा कैमरे मोबाइल से कुछ दिख नहीं रहा ना यार, जिससे लाइट से गाइस बार बार रुक रुक के साउंड आ रहा है, बार बार कुत्ते जैसा साउंड है भाई, तुम खाना बनाओ फटाफट छोड़ो, अब कुत्ते जैसा साउंड हमेशा भालू का होता है भाई, चौकस रहो चौकस हो जाओ मेरे भाई, चक्कू दूसरा कहाँ है, चक्कू थैले में देखो आराम से, दूसरा चक्कू थैले में होगा, खतरा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ भाई, एक गाड़ी की दिक्कत ना, गाड़ी के पीछे भी ध्यान देना क्योंकि हम यहाँ पे आगे बैठे हैं, पीछे क्योंकि कोई भी चीज आड़ लेके आती है हमेशा, आड़ भी और बैक पीछे से तो हमला करता है हमेशा, कोई भी हो, भालू तो सामने से करता है अगर सामने से आ रहा है, लेकिन अगर पीछे से आता तो वो तो पीछे से पकड़ेगा ना, भालू और हाइना इस दो जानवरों से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेपर्ड से इतना नहीं लगता, लेकिन ये जो भालू और हाइना है ना ये तो भाई बहुत डेंजर है,
देखिए अपनी वेजिटेबल तो कट चुकी है, टमाटर और प्याज मैं इनको रख देता हूँ। चक्कू नहीं है छोड़ो, कोई नहीं चक्कू छोड़ो, मेरे पास डंडा रखा है। चलो डंडा रख रखा है मैंने, टेंशन मत लो भाई, ध्यान रख। देखो सुनो बताऊ, गाड़ी का लॉक खोल कर रखो, एक खुला है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, ये जो विजिबिलिटी जीरो हो रही है ना, हाँ। ये है, बारिश का डर नहीं है लेकिन विजिबिलिटी जीरो कर रहा है। टॉर्च के मुकाबले तो बिना टॉर्च मारे ही क्लियर दिख रहा है। हाँ। टॉर्च से तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे अंधापन आ गया, मतलब हमारी आंखें ही धुंध हो जा रही है। बंद देखना ही हो गया है, पकड़ के रखो इसको, थोड़ा फ्लेम को हाई कर दो, जल्दी हो जाएगा। रखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर रख दो, यहाँ रख दो। हो गई चॉपिंग अपनी? हाँ चॉपिंग हो गई बेटा। चलो बढ़िया है, चॉपिंग वॉपिंग हो गई अपनी, जल्दी 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 फास्ट इसीलिए बना रहे हैं, जल्दी बन जाएगा। बस आप लोग भी पूरा ऐसा हो, देख लो कुछ भी ना दिख रहा भाई। देखो गाइस अभी देखो कैमरे में, बैक में देखो अगर कुछ दिख रहा है ना, हमारा पास्ता बॉइल हो रहा है और हम आपको दिखाते हैं एक बार बाहर का व्यू। ये देखिए लाइट भी बिल्कुल, ये देखिए साउंड आ रहा है बार बार, और ऐसा है कि कैमरे के पीछे का भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। लाइट ले लो अपने अपने हाथ में ना, एक्टिव हो जाओ पीछे देखने के लिए। अभी दिखाते हैं आपको व्यू कितना भयंकर हो चुका है यहाँ। चलो गाइस देखो ये अपना सेटअप यहाँ पे, देखो क्लियर, और देखो यार विजिबिलिटी देखो, लाइट पूरी मार दी है, टॉर्च है, और देखो सिर्फ यहाँ तक दिख रहा है, इसके बाद पीछे को देखो कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं, बस बारिश दिख रही है, बाकी कुछ नहीं है यार। देखो विजिबिलिटी जीरो खत्म है यार बिल्कुल, देखो कुछ नहीं दिख रहा, गाड़ी के बैक में थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि हरी हरी घास, बाकी कुछ भी नहीं यार। विजिबिलिटी देखो, ऊपर पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं यार। ये अपना टेंट भाई, हालत खराब है, तो ये देखो यार खत्म है यार। अगर भालू कोई जानवर, कोई भी जानवर यहाँ पे आ गया ना भाई, तो यार लगा, देखो अब कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, लाइट ऑन करिए, बस इतनी घास दिखती है, उसके बाद कुछ नहीं यार। चलो यार खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खाते, और यार विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है ना, तो उसकी वजह से यार रिस्क हमारे लिए दोनों भाई के सबसे ज्यादा खतरा है। तो भाई वीडियो कैसी लग रहा है? अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए इतनी एडवेंचर और खतरनाक वीडियो लेके आ रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे हमें खुद कुछ नहीं दिखाई दे रहा और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे यार, तो फटाफट कर दो यार। चलो भाई खाना वाना बनाते हैं। चलो अरे भाई पास्ता बॉइल हो गया क्या? हाँ जी पास्ता बॉइल हो चुके हैं, तो निकालो पास्ता में ऑयल निकालता हूँ, इसमें पानी निकालो, उसका पानी निकालो, बंद मत करना गैस को। बारिश तेज हो गई भाई, बारिश बहुत भयंकर हो गई है, बहुत भयंकर तेज बारिश हो रही है, और आप लोगों को एंजॉय करा सके इसलिए हम लोग ना अपना कैमरा भी बारिश में रख रखा है पूरा, बहुत भयंकर तेज तरीके से पानी बारिश हो रही है, तब भी कैमरा बारिश में रख रखा है क्योंकि रिस्क है, लेकिन आप लोगों को पूरा एडवेंचर देना है, सब कुछ दिखाना है ताकि आप लोग जान सके कि हम किस तरीके से यहाँ कैंपिंग करते हैं। बनाओगे हमें? हम इसमें बनाएंगे, बस जल्दी से पास्ता बनाते हैं। आज भाई इसको थोड़ा फ्लेम हाई करो, इसको हाथ में पकड़ के रखो, बनाते रहो इसे फटाफट ना, बंद करो इसे थोड़ा कम करो। बस देखिए बारिश कितनी तेज होगी, बहुत भयंकर बारिश होगी, अब हमें फोन उतारना पड़ेगा और अब हम आपको यहीं से दिखाएंगे। बारिश इतनी तेज हो चुकी है भाई, फोन निकालने पड़ गए हमें, और ये देखो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो भाई, और बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है, और इधर अपना गैस चलने लगा था, पास्ता बॉइल हो चुका है, और अपनी चॉपिंग भी डन है। क्यों भाई? तो फटाफट से अपना खाना बनाते हैं यार, क्योंकि रिस्क बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। और देखो हमने अपने यहाँ पे लाइट लगा दिया ताकि इधर की साइड पूरा उजाला रहे, समझ रहे हो, थोड़ा हमें दिखता रहे, बारिश की छिटी आएंगी इधर, पड़े कोई नहीं, तो ऑयल डालो थोड़ा, आने दो छिट्टे, देखो आवाज आ रही है पेट पेड़ों की, हाँ जैसे पेड़ टूटते हैं ना। बस पेड़ों की तरफ से आवाज आ रही थी। गाइस ये देखो भाई विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, अब इसमें डालते हैं वेजिटेबल, ठीक है ना, डालो फटाफट क्योंकि यहाँ छिटे भी आ रहे हैं पानी पर। अब डिनर तो जैसे तैसे बनेगा, बने हो यार मेरी, बस चटपटा बन जाए अपना, आप ये खाने लायक कर लो। ओके इसकी फ्राई पैन को ना,
अब भुन चुका है, अब इसके अंदर सॉरी प्याज और टमाटर भुन चुके हैं, अब इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। लाल नमक डाल दूं? नमक डालो पहले, हल्के डालो, भी डाला है ना नमक। ओके, ये अपना नमक बॉईल करते टाइम है ना। और बाकी अब डालता हूँ इसमें से मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डालना, बस बहुत है, चटपटा होना चाहिए अच्छे से, चाहे पास्ता हो चाहे कुछ भी हो स्पाइसी बनाए। ओहो, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ये बढ़िया जाना चाहिए। ठीक है, इसको चलाओ आप, चलाऊंगा, ये लो, ये पकड़ो, गाइस देख रहे हो आज कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एक हाथ से, एक हाथ से फोन पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से देखो भाई, एक हाथ से ये चला रहा है, एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा है, बैठा है और एक हाथ फोन है। सही बात, बहुत कठिन काम है रेन कैंपिंग में, टेंट कैंपिंग में आसान है अगर लोबी वाला टेंट है ना अपने पास, जैसे हम करते हैं ना, लगाया नहीं ना, गलती कर दी ना। अरे यार ऐसी लोकेशन पे लगता है क्या, वही तो प्रॉब्लम है ना। गाइस देखो यार, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी बिल्कुल, देखना यार लाइट मार रहा हूँ फुल वाली, देख रहे हो जो रात को दिन कर देती है ना वो वाली लाइट है ये, लेकिन इस टाइम कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी यार। पास्ता बन चुके हैं, निकालो तो करो वो जल्दी सर्व करो भाई, क्योंकि हालत खराब है, थोड़ी बारिश हल्की सी धीमे हुई है, हल्की सी, लेकिन अभी हमारी लाइट हमने कैमरा पीछे लगा दी है, मैं तो वही हाथ में लेके दोनों हाथ, एक हाथ से खाना बनाओ एक हाथ से मोबाइल का शूट करो, वो काम हो रहा था, अब बारिश हल्की पड़ गई है इसलिए अपनी लाइट लगा दी पीछे। और भाई खतरा लेकिन जैसा का तैसा ही है भाई, खतरा तो भाई कंटिन्यू बनाया, खतरा तो यहाँ गैस को बंद करो, क्रीमी पास्ता बनेगा ना ये, वही हल्का चलाता हूँ, ज्यादा गर्म नहीं करना क्रीम को ना, ये बन गया क्रीमी पास्ता बढ़िया वाले। ओहो जैसे मिल जाए ठीक है, बस वो भी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे जान को खतरा हो। यस, लगातार पेड़ों की आवाज भी आ रही है यार, दर दर की आ रही है, चल रहा हूँ पेड़ पे, कोई चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, हम हैं खतरों के खिलाड़ी, खिलाड़ी, लेकिन जब जानवर आ जाए ना सब, बस फिर तो भाई अपनी जान बचाओ, सीधी सी बात है, बस 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 सही बिल्कुल राइट, ये नहीं कि भालू आ गया, लेपर्ड आ गया तो जाके और बाद में लेना फिलहाल, हाँ, ये टेस्ट करो, इसको ही खाते हैं, ठीक है ना, चलिए तो गाइस पहले अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बारिश तेज आनी शुरू हो चुकी है और बढ़नी, अब बारिश तेज होगी, बारिश तेज हो गया, बारिश तेज शुरू हो उससे पहले मूसलाधार बारिश हो, हम अपना डिनर को कंप्लीट करते हैं, सेटअप को उठाते हैं, वो चलते हैं टेंट के अंदर, टेंट के अंदर चल भाई। तो दोस्तों टेंट के अंदर आ चुके हैं भाई खा पी कर, और भाई लेटते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइम की बात कुछ 10:30 हो चुका है, और इधर भाई भी आ चुका है, और भाई आपको पता ही है वीडियो में भाई खाना कैसे खाया आज, बस काम चला, खाना खाना पड़ा था क्योंकि बारिश इतनी तेज थी ना, इतनी तेज थी कि बहुत बुरा हाल था, क्योंकि आपको पता है टेंट हमने इसलिए पिच नहीं किया क्योंकि भाई ये है भालू का इलाका, यहाँ पे 100% भालू आता जाता यार, बहुत ज्यादा आदमखोर टाइप में है यहाँ का भालू, तो देखते हैं आज का क्या सीन है, इसलिए हमने अपनी कार कैंपिंग की थी ताकि अपने टेंट के ऊपर सो सके, ताकि सेफ हो सके, 100% तो सेफ है नहीं बट कुछ परसेंट तक सेफ है, क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा होता है, हैवी होता है, बाकी यहाँ का देखो बाहर का नज़ारा, शायद नेट से आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा यहाँ से, तो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, अगर नाइट में कुछ होता है तो वो आपको बताते हैं दिखाते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग में मिलते हैं व्यू के साथ, गुड नाइट, गुड नाइट। ओ भाई क्या आया, बोनस से कुछ चढ़ रहा भाई हमारी गाड़ी के ऊपर, मालू वाली होगा भाई, क्या टाइम हो रहा, अरे यार 11:57 हो रहे भाई, गाइस 11:57 मिनट भाई, 12 बजे बुरा हाल है, ओ हो भाई देखते हो बाहर देख, चलिए मुको कैमरा दिखा, कैमरा दिखा गाइस, कैमरा दिखा, ओ देख यो रहे हो, ओ ओ भाई, ओ भाई चढ़ रहा गाड़ी पे, चढ़ रहा गाड़ी के ऊपर भाई, मान लो थोड़ा कैमरे के दोनों को भाई, ओ भाई गाड़ी चढ़ रहा है, ओ भाई इधर ओए ओ इधर आ गया, ओ इधर आ को घूम के भाई, ओए ओए घूम कर, ओ दौड़ रहा गाड़ी के चक्कर में, घूम रहा भाई, ओ भाई गाड़ी के चारों तरफ दौड़ रहा भाई, ओ कैसे बात कर रहे हो, ओ भाई ओ ओ भाई बाहर देख, बाहर देख, बाहर देख, बाहर देख, बाहर देख, कोई कुछ दिखाई दे तो बाहर देख, बाहर ओ भाई कैमरा रिकॉर्ड कर साले भाई, रिकॉर्ड कर इसको, जाल में दिख रहा ना, ओ
वो है आवाज आ रही है भयंकर आवाज, भयंकर भाई खुरसने की आवाज आ रही है, दौड़ रहा पक्को देख मारी ओ भाई भाई इधर से आवाज आ रही है, इधर से इधर ही है, इधर ही है, देख एक मिनट देखे मुझे देख 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 खोल गए हाँ ना खोल मत नहीं देख जॉक का खोलते नहीं भाई देखिए अरे नहीं दिख रहा यार वो जाली में से बाहर यार भाई गाइस भालू भाई दम लो भाई इधर ही भाई इधर ही भाई साइलेंट ही बोलो भाई पता कैसे लगेगी लोग बागन ने थोड़ा दुख तो देखते है ना क्या पता ओ भाई बोनट उतार दो मेरा ओ ओ गाड़ी को बोनट ओ भाई भाई बोनट उतार दो मेरा गाइस बोनट भाई बोनट खींच दो गाइस मेरा भाई गाड़ी को बोनट खींच दो गाइस गाड़ी को बोनट उतार दो भाई अग्रेसिव हो रहा है भाई गाड़ी को बोनट उतर गया इधर आ गए भाई इधर इधर चल रहा है हथियार ले लो भाई हथियार हथियार ले लो जल्दी हथियार उठाओ हथियार ले भाई हथियार लो भाई अब काम नहीं चलेगा गाड़ी को बोनट उतार दो भाई मेरे को ओ भाई दौड़ रहा भाई इससे पता चल गया दो आदमी ऊपर ओ भाई ओ ओ गाड़ी ओ गाड़ी ओ गाड़ी गाड़ी आ भाई ओ भाई ओ भाई ये पीछे ही है पीछे इधर ही इधर ही इधर ही हां इधर ही पीछे साइड बैक साइड में गाड़ी पकड़ के ला रहा पक्को गाड़ी को टेंट को पकड़ लियो ना इधर पहुंच गए इधर आ गए गाइस ये अग्रेसिव हो रहा है भाई लाइट बंद कर दे साइलेंट हो जाओ गाइस लाइट को बंद कर दे नहीं बैठे रहो गाइस मोबाइल बंद करते भाई ओ भाई देखो देख ओ देख गाइस लाइट बंद करते जाओ भाई लाइट बंद करते हो गुड नाइट साइलेंट हो जाओ लेट जाओ मूसलाधार बारिश हो रही है मूसलाधार भाई साहब बहुत तेज बारिश हो रही है बहुत तेज बादल हो रहे सुनो यार गुड मॉर्निंग गाइस मॉर्निंग हो चुकी है भाई और मॉर्निंग से क्या यार पूरी रात से बारिश पड़ रही है रात के 7:30 बजे से बारिश पड़ी लगातार आगे पता है कि गाइस जब हमने खाना बनाया तो कैसे कैसे बनाया कितनी मुश्किल से खाना बनाया क्यों भाई जी yes. और देखो भाई सुबह के नजारे मैंने आपको भाई जो शॉर्ट्स थे वो दिखा दिए और अभी देखो कितनी तेज बारिश पड़ रही है लगातार और हल्की सी बारिश बंद हुई तो हमने अपना टेंट वेंट क्लोज कर रहे थे तो इतने में बारिश फिर से आ गई तेजी से तो अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 हो रहे हैं बाकी तो कोई दिक्कत नहीं रात जो बालू आया था भाई साहब बड़ा खतरनाक था भाई भाई गाड़ी पे भी निशान मार दे गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस आ चुके हैं आपको दिखाता बस यही है कि बारिश लगातार पड़ रही है और देखता हूँ बाद में लूंगा जो भी शॉट्स है उसके आपको दिख जाएंगे क्लिप्स बाकी तो भाई बारिश काफी तेज है
चाय पानी तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि बारिश लगातार है। खाना डिनर रात कैसे कैसे बना वो भी आपको पता ही है, तो अब तो पॉसिबल नहीं है। और गाइस वीडियो कैसे लग रही, अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कर दीजिए और अच्छा अच्छा प्यार प्यारा कमेंट्स एक भर दीजिए जिसको मैं आराम से पढ़ सकूं। बाकी चैनल पर गाइस नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली एडवेंचर कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद, जै हिंद।